हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको टू कलर में बहुत ही प्यारा सा ये राउंड शेप में डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। आप इसे मल्टी कलर से भी बना सकते हो और सिंगल कलर से भी बना सकते हो। मैंने इसे वूल से बनाया है, आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक हमने यहाँ पे नोट लगा ली है और ये देखिए, एक हमारा नोट से हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अट्ठारह और ये बीस। बीस फंदे पे मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लीजिए, जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए, आप इसको अगर चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे इसकी नोट लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं, फिक्स हो जाएगा ये। अब देखिए, फर्स्ट वाली बेसिक रो है तो इसको हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड बनेगी। देखिए इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बना के पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आप इसको मल्टी कलर से भी बना सकते हो, सिंगल कलर से भी बना सकते हो। मैंने इसमें टू कलर का यूज किया है, आप अपनी चॉइस से बनाइए जैसे भी आपको पसंद हो। ये देखिए, पूरी रो हम लास्ट तक उतार लेंगे। बेसिक रो हमने बना ली है, ये देखिए। अब आ गए हम सीधी साइड, ये हमारी सीधी साइड बनेगी। तो फर्स्ट वाले को उतार लेंगे और देखिए ऐसे हम बनाना शुरू करेंगे। लास्ट के दो फंदे में छोड़ दूंगी। लास्ट के दो फंदे छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले को उतार लेंगे और ये पूरी रो हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे हर बार। आप इसको एक बार देख लीजिए, किनारे वाले फंदे को आप ऐसे सीधा बनाइए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आएगी किनारे की। और इस साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब एक बार और देखिए, ये देखिए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। ये देखिए फ्रेंड्स, पंद्रह नहीं, सोलह हैं ये। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। एक फंदा मेरे से मिस्टेक से छूट गया था। तो अब देखिए, सोलह फंदे ये हैं और दो फंदे मैं पीछे फिर से छोड़ दूँगी और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इसी तरीके से दो दो फंदे छोड़ते हुए मैं यहाँ दो फंदे बच जाएंगे ऊपर तक, यहाँ तक मैं छोड़ लेती हूँ। इस साइड से हमने इस फंदे को सीधा बनाना है और दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा बनाना है। लास्ट में दो फंदे छोड़ने हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो मैं इसे कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का दिखाऊँ। ये देखिए,
दो दो करके मैंने सारे फंदे ऊपर तक यहाँ तक छोड़ दिए हैं, दो फंदे ऊपर बच गए हैं। तो देखिए अब हम ये, और इस साइड से देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारे किनारे की फिनिशिंग आएगी। फर्स्ट वाले को उतार लेंगे और ये सारे ही फंदे बना लेंगे। एक कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई, जो दो दो करके हमने फंदे छोड़ रखे हैं, नीचे तक सारे ही फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए हमारी सीधी साइड है, अब तक दोनों एक जैसी हैं लेकिन ये हमारी सीधी साइड है। बैक साइड से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। अगर आप इसको सिंगल कलर से भी बनाओगे तब भी ये बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी। इस लास्ट वाले को फ्रेंड्स आप कम बनाइएगा, ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। इसको हम जितना कम बनाएंगे उतना ही यहाँ पे बीच में होल कम बनेगा। अब हम इसको बना लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे और इसको भी हम अंदर ऐसे दबा लेंगे। आप यहाँ पे इसके नोट भी लगा सकते हो और ऐसे भी आप इसको दबा के अंदर ही अंदर पक्का कर सकते हो। ये देखिए दूसरी कली की हमने स्टार्टिंग कर ली, कलर चेंज कर लिया अपने फंदों का। जब भी आप कलर लगाओ तो इसी साइड से लगाना, कली कंप्लीट होने के बाद जितने चाहे आप इसमें कलर अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। मल्टी कलर में भी बहुत सुंदर लगेगा और बिल्कुल राउंड में बनके कंप्लीट होगा। ये देखिए इस साइड से हम इसको ऐसे ही बना लें क्योंकि हमने इसका कलर चेंज किया है, और इस साइड से हम इसको ऐसे उतार लेंगे, थ्रेड को आगे ले लेंगे। अब देखिए फिर से हमने उसी प्रोसेस को रिपीट करना है जैसे हमने नीचे किया था। सारे ही फंदे हम ये बना लेंगे और नीचे से दो दो फंदे छोड़ना फिर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। बनने के बाद मैं दिखाऊंगी इसकी लुक कैसी आई है। बहुत सुंदर इसकी लुक आई है, बिल्कुल राउंड में बनके कंप्लीट होगा। दो फंदे फिर से छोड़ दिए, इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कैसी लुक आई है। ये देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद इसकी इस तरह से लुक आएगी। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।